हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आपका नमस्कार में। दोस्तों आज के वीडियो में चर्चा करेंगे अपन एरर थ्योरी के बारे में। दोस्तों एरर थ्योरी को अपन किस तरह से फिक्स करेंगे। तो दोस्तों पहले क्या होता है, अपने दोस्तों अपने चैनल पे एक वीडियो बनाया था मैंने एरर टू के बारे में। तो दोस्तों किसी बंदे ने यहाँ पे कमेंट कर दिया कि एरर थ्योरी के ऊपर भी कोई वीडियो बनाओ। तो दोस्तों उसके शायद एरर थ्योरी होगी, तो इस वजह से मैंने सोचा कि एरर थ्योरी के ऊपर भी एक वीडियो बना देना चाहिए। तो दोस्तों एरर थ्योरी भी कुछ नहीं होती। एरर टू में तो दोस्तों क्या होता है कि वो जो एग्जीक्यूटेबल पाथ होता है उसमें कुछ मिस्टेक होती है। और दोस्तों एरर थ्योरी में क्या होता है कि जो पाथ होता है वही गायब होता है, यानी मिसिंग होता है। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले अपन वो सर्विस ओपन कर लेते हैं जहाँ पे अपने ये एरर आ रही है। दोस्तों यहाँ पे अपने विंडोज अपडेट की सर्विस में ये एरर आ रही है। दोस्तों इसको स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं तो यहाँ आ रही है द सिस्टम कैन फाइंड द पाथ स्पेसिफाइड। और दोस्तों इसको अगर यहाँ पे प्रॉपर्टीज में जाते हैं तो दोस्तों आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कि यहाँ जो पाथ तो एग्जीक्यूटेबल होता है यहाँ पे कोई अपने को शो नहीं हो रहा है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे अलग अलग सर्विसों के लिए अलग अलग पाथ होते हैं। दोस्तों विंडोज टाइम के लिए देखेंगे तो यहाँ पे कोई और मिलेगा। इसी तरह से दोस्तों अपन इस तरह की यहाँ पे बहुत सारे सर्विस मिलेंगे, तो उनके अगर पाथ चेक करोगे तो सभी के अलग अलग पाथ होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि आपकी कौन सी सर्विस है और उसमें कौन सी सर्विस में आपकी मिस्टेक आ रही है। तो दोस्तों उसी हिसाब से मैं आपको जो इसका जो जो पाथ होगा वो प्रोवाइड करवाऊंगा। तो दोस्तों जैसे अपने विंडोज अपडेट के लिए जो पाथ है वो इस तरह का पाथ होता है, इसको कॉपी करना होता है अपने को। कुछ नहीं, फिर विंडोज प्लस आर की दबानी है और फिर यहाँ पर टाइप करना होता है रेज एडिट और ओके, फिर यस। फिर दोस्तों यहाँ से अपने को कुछ नहीं करना होता है, कंप्यूटर कंप्यूटर से अकेले लोकल मशीन, अकेले लोकल मशीन के बाद में सिस्टम, सिस्टम से करंट कंट्रोल सेट, फिर यहाँ से सर्विसेज और फिर अपने को विंडोज अपडेट की सर्विस नीचे मिलेगी। डब्ल्यू डब्ल्यू के नाम से सर्विस होती है दोस्तों, डब्ल्यू यू ए यू एस सी आर वी। दोस्तों ये रही, बस इसके ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ से अपने को इमेज पाथ मिलेगा कहीं पे। तो दोस्तों यहाँ पे अपने को इमेज पाथ यहाँ पे शो नहीं होता है, तो अपने को क्या करना होता है, न्यू बटन पे क्लिक करेंगे, यहाँ से लेफ्ट राइट की दबाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे आप चेक कर सकते हो इमेज पाथ का अपने को कहीं पे यहाँ पे वो वैल्यू नहीं शो हो रही। तो दोस्तों यहाँ पे अपने को क्या होता है, न्यू पे क्लिक करेंगे और इस तरह का दोस्तों रेड कलर में ए भी शो हो रहा है, इस तरह की वैल्यू होती है। तो दोस्तों यहाँ पे अपने को ये शायद डॉट न्यू पे क्लिक करेंगे दोस्तों, यहाँ से अपने को नीचे नीचे वैल्यू मिलेगी, एक्सपेंडेबल स्ट्रिंग वैल्यू। तो दोस्तों इस पे जाएंगे, यहाँ पे अपने को टाइप करना होता है इमेज पाथ आई एम ए जी ई पी पी बढ़ाएगा और पी ए टी एच। बस दोस्तों अपने को इतना यहाँ पे टाइप करना होता है आई एम ए जी ई और पी फिर कैपिटल आएगा फिर पी ए टी एच। इसको यहाँ पे मॉडिफाई करेंगे इसके ऊपर राइट के लिए करके, और यहाँ पे वैल्यू डाटा में अपने को पाथ देना होता है। तो दोस्तों वो पाथ जो कॉपी किया यहाँ पे पेस्ट कर देता है, ठीक है। इतना करने के बाद में दोस्तों अपने को यहाँ से रिप्लेस कर लेना होता है। दोस्तों यहाँ से आप रिप्लेस नहीं करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे अपने को इमेज पाथ यहाँ पे मिल जाएगा। दोस्तों इस तरह से यहाँ पे याद रखें, अपने को राइट क्लिक करना है, न्यू पे जाना है और एक्सपेंडेबल स्ट्रिंग वैल्यू और उसके बाद में उसका नाम इमेज पाथ देना होता है। और तो रीनेम भी अपन वैसे कर सकते हैं इसका, यहाँ पे जैसे किसी का भी ऊपर क्लिक करेंगे तो अपन रीनेम कर सकते हैं, ठीक है। दोस्तों ऐसा करने के बाद में अपन सर्विसों में जाते हैं, सर्विसों में जाएंगे अपन। तो अब यहाँ पे जैसे अपन वो जो यहाँ पे रिप्लेस कर लेते हैं एक बार, तो ये रिप्लेस किया। अब यहाँ पे अपने विंडोज अपडेट की सर्विस वापिस ढूंढते हैं। सो ये अपने विंडोज अपडेट की सर्विस, इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज में जाएंगे और स्टार्ट पे क्लिक करेंगे। दोस्तों आप चेक कर सकते हो सर्विस अपने स्टार्ट हो चुकी है और रनिंग यहाँ पे आ चुका है। तो दोस्तों इस तरह से अपने जो ये जो एरर थ्योरी होती है इसको बड़े आसानी से फिक्स कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दे, और दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, बाय बाय।